सो योग के सफर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की योग क्रिया शुरू करें। सबसे पहले आराम से सीधे होकर लेट जाएंगे। इसके बाद बारी बारी से अपने दोनों पैरों के घुटने को हमें इस तरह से मोड़ लेना है। अब यहाँ पर मैंने अपने बाएं पैर को ऊपर उठाया है और दाएं पैर के घुटने से थोड़ा नीचे ले जाकर रखेंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। अब इसके बाद दाएं हाथ को दाएं पैर के साइड से और बाएं हाथ को दोनों पैरों के बीच से लेके जाएंगे और अपने दाएं पैर को मैंने घुटने से थोड़ा नीचे पकड़ा है और पैर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करी है। इसी अवस्था में आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। यह क्रिया अगर आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द है, आपके हिप्स में दर्द है या फिर आपकी थाई में दर्द है और अगर आपको साइटिका का दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ सेकंड के लिए आपको ऐसे ही होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे आप पैर को नीचे लेकर आएंगे और अपने दूसरे पैर को भी सीधा करेंगे। और अगर आपके दूसरे पैर में दर्द है तो इसी तरह से यह क्रिया आपको दूसरे पैर पर भी दोहरानी है। हर दिन यह क्रिया करें और कम से कम 5 बार इसे जरूर दोहराएं। आपको दर्द में आराम मिलेगा। आज की शुरुआत जी रागी के चीले के साथ। तो यहाँ पर ये मैं अपने लिए बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में। सोचा दो पतले पतले क्या बनाऊंगी, एक ही मोटा सारा बना लेती हूँ, थोड़ा स्लो स्लो गैस में पका लूंगी। और बहुत सारी सब्जियां डाली है इसमें, बीन्स थी, प्याज थी, आलू था और कुछ था मेरे पास, वो सब डाल दिया। गया जी आज तो गला बिल्कुल गया। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे। कल था थोड़ा थोड़ा खराब लेकिन रात को ज्यादा हो गया, अब सुबह से तो बहुत ज्यादा है। कुछ खाने पीने का ऐसे मन नहीं कर रहा तो मैं सोची कि चलो कुछ गर्म खाने का है, ठंडा फ्रूट्स खाने का मन नहीं है। मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ गर्म हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने चीला बना लिया मेरे लिए। देखते हैं, एक दो दिन तो लगेगा, तबीयत एक बार थोड़ी सी हो जाए। बट ये थोड़े थोड़े दिन में बीमार होना भी जरूरी है। अभी बहुत टाइम अच्छा गया है, काफी टाइम बाद कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी बॉडी के लिए अच्छा है, ताकि बॉडी उससे लड़े और स्ट्रांग बने। तो हो जाएंगे एक दो दिन में ठीक। तो इसलिए आज सुबह जी ब्रेकफास्ट में चीला बना रही हूँ और लंच का देखेंगे फिर क्या करना। काम लगभग हो गया है, झाड़ू भी हो गई है, सिर्फ ब्रेकफास्ट करूंगे। भूख लग गई थी और पोछा लगाने का काम है, फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। थोड़े से तुलसी के पत्ते जी, थोड़े अजवाइन के पत्ते तोड़ के लाई हूँ। अभी फिलहाल तो चाय बनाऊंगी, बाकी के फिर शाम को चाय बनेगी या काढ़े वाढ़े में यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा तोड़ लाई हूँ। तो इनको धो के रख दूंगी, कुछ अभी यूज करेंगे, अभी चाय बनाऊंगे। और इधर दाल भिगो रखी है जी, कल भिगोई थी रात को। ये कुल्थी की दाल है और वैसे इसका एक नाम है हॉर्स ग्राम। तो ये क्या है कि बोलते हैं सबसे ताकतवर दाल है ये, इसको खा के बोले कि घोड़ों को खिलाई जाती है ये, तो घोड़े कितने ताकतवर होते हैं। तो मतलब ऐसे कहावत है कि ये वाली दाल खा के आप में भी घोड़े जैसी ताकत आ सकती है। तो सबसे पावरफुल दाल है ये, और सभी जो दालें हैं ना उसमें से। हिंदी में इसका नाम की वैसे इसका कुल्थी की दाल नाम है। तो ये भिगोना जरूरी होता है, इतनी पावरफुल दाल है ना। तो इसको मैंने भिगो दिया है, रात को भिगोया था, अभी इसमें सीटी लगाऊंगी, एक बार और वॉश कर दूंगी। एक दो बार तो कर दिया था, वॉश करके नमक हल्दी डाल के और इसकी सीटी लगवाती हूँ। आज ये दाल बनेगी और चाय बनाती हूँ और साथ में भिगो रखे हैं मैंने चावल, तो दाल चावल बनाऊंगी खाने में आज। पिछले कुछ दिनों से जी चीनी भी मैंने लानी बंद कर दी है। फिलहाल मेरे घर में चीनी नहीं है और लगभग आई थिंक 15 डेज हो गए होंगे चीनी नहीं लेके आ रही हूँ मैं, क्योंकि सोच रही हूँ कि जितना कम कर दूँ। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही था कि घर में हो ही ना तो ही यूज नहीं करेंगे। तो खीर हो चाहे कुछ भी हो उसमें मैं यूज कर रही हूँ आजकल खांड। ये खांड है ये पतंजलि की, क्योंकि यहाँ पर यही मिल रही है। अभी हरियाणा साइड में अपने घर पे उधर होते तो और कुछ और अच्छी की क्वालिटी की ले लेते, तो पर अभी यहाँ पर यही मिल रही है तो यही यूज कर रहे हैं। इससे कुछ बेस्ट ऑप्शन और मिलेगा तो फिर वो ट्राई कर लेंगे।
तो मीठे के लिए अभी खांड यूज कर रहे हैं, गुड़ यूज कर रहे हैं या फिर शक्कर यूज कर रहे हैं। तो चाय में मैंने अभी खांड ही डाली है। कई चीजें हमारे किचन में ऐसी हैं जो धीरे धीरे जहर का काम करती हैं, जिसमें से एक चीनी है, रिफाइंड ऑयल है, मैदा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेकार है। तो कभी कभी चलता है कि खा लेते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँ कि धीरे धीरे थोड़ा उसकी तरह जो पिसा पिसा है आटा, जो पैकेट में लेके आते हैं ना वो वाला, आप खुद ग्राइंड करा रहे हो, उसमें कुछ मिक्स करा रहे, मिक्स नहीं करा रहे तो भी गेहूं का आप ग्राइंड करा रहे हो, हल्का सा मोटा ग्राइंड कराओ, वो बेस्ट है हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए। और जो पैकेट वाला कोई भी कंपनी का हो लेके आ रहे हो ना, कुछ नहीं है, बस कहने के लिए होते हैं मल्टीग्रेन है ये यार वो है। तो थोड़ा अच्छाई की तरफ जाओ, थोड़ा हेल्दी रहने की कोशिश करो, क्योंकि एक तो आजकल वैसे ही हर चीज में जितनी मिलावट हो रही है, तो जितना अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं उतना करो। मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ किसी को नहीं पता हो, वो लोग जान पाए, कोई मेरी तरह कुछ अपनाना चाहे तो अपना रहे। चाय बना के ले आई हूँ जी, चाय पीऊंगी और साथ में ये वाला सूट ना सील लिया है, पर इसका कुछ काम बाकी है। इस सूट की ना तुरपाई नहीं की है, जैसे ये साइड वाली सिलाई मार रखी है मैंने चाक के इधर से, गले की ये तुरपाई का काम बाकी है। तो ये करती हूँ, फिर इसके बाद वही है कि कभी पहना जाएगा रेडी होगा तो। तो अभी चाय पीऊंगी, साथ साथ में ये काम करूँगी और कुछ थोड़ा फ़ोन वोन का काम करेंगे। एक घंटा है तो एक घंटे में ये काम कर, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा। तो आज काम थोड़ा सा जल्दी हो गया, आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि तबीयत डाउन थी ना, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकल गया। आज है मेरे पास टाइम। थोड़ी बनानी थी जी चाय और ज़्यादा बन गई, अब कोई पीने वाला भी ना है, मेरे को ही पीनी पड़ेगी। बहुत तेज धूप थी जी, अभी अभी बारिश आ गई, कपड़े सूख रहे, सुबह धो के सुखाए थे, सूखे नहीं उतारने पड़ेंगे। रात के बज गए जी 8, आज दिन में कुछ सब्जियां आई थी वो धो के रखी गीली हैं, और इधर तैयारी कर दी है डिनर की। तो आज वही सब्जियां मिक्स करके चीला बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी थोड़ी सी सब्जियां मैंने रख ली है सूप, क्योंकि सूप मैं अपने लिए बना रही हूँ, मेरा गला खराब है, जुकाम है उसके लिए। तो ये थोड़ी सब्जियाँ काट के रखी इधर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, हरी मिर्ची, और इसका चीला बनाऊंगी सबके लिए। और इधर ये है थोड़ा सा चावल और दाल भिगोई थी, निशु बोल रही मामा कल स्कूल में ढोसा देना, तो अभी पीस के रख दूंगी, सुबह इसका ढोसा बना के बच्चों को दे दूंगी, तब तक थोड़ा फर्मेंट भी हो जाएगा ये। तो ये काम कर रही हूँ अभी।